नहीं बताना था कल रात का मैसेज जो की थी वो बता दो। मैंने किया था। क्या किया था? बोल रही थी कि तुम बहुत अच्छे हो लेकिन चार सुअर खानी हो गया था। थैंक यू। लात के लेकर जाना पड़ेगा। सागर भाई लात दिया, रास्ते में इसका फट जाएगा। ऐसे ही थोड़ा गांव घूमता हूँ, बहुत अच्छा गांव है सागर भाई का। इसको पेट्रोल बचाने के चक्कर में ये पैर से ठेर के लेकर जा रहा है ऐसे। मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ ना, मतलब जिस स्कूल में मेरा बचपन बिता, 10 से नर्सरी से लेकर 10 तक मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, आज कितने साल उस स्कूल में जा रहे हैं? 5-6 साल बाद हम लोग स्कूल में फिर से जा रहे हैं। अरे भाई क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करो ना यार। पहले जुमा पढ़ेंगे, ठीक है? जुमा बाद यहाँ पे पूरा मेला वाला भी लगेगा, पूरा दोस्तों के साथ बादाम उदाम खाएंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे, मस्ती करेंगे। हे एवरीवन, कम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? जुमा मुबारक आप सब लोगों को। गाइस, तो आज का प्लान है कि सब लोग को बोला था मैंने साइकिलिंग करने के लिए, तो क्या हुआ कि सबके पास बाइक तो है पर साइकिल नहीं है। और एक साइकिल जो है मैंने अपने दोस्त को दिया था बहुत पहले, मतलब उसे मांगने नहीं जा रहा, वो ऐसे रख दिया है, बोले नहीं चलाता हूँ, आकर लेकर जाओ। अब पता नहीं उसका कंडीशन कैसा है, जाके उसको चेक करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, कैसा है कंडीशन जाके अभी देखता हूँ। और 4K अभी सोया था तो मैंने अभी उसको जगा दिया, अभी वो आ रहा है फ्रेश होके। तो आज का मतलब ब्लॉग रहेगा कि अगर साइकिल हो जाएगा ना तो आज ही निकल जाएंगे साइकिलिंग पर, और रेबिका उबिका सबको बुलाएंगे और जाएंगे साइकिलिंग पर, देखते हैं आज क्या होता है अभी। तो फाइनली 4K उठ गया यहाँ पे। सब लोग सुबह सुबह इतना ज़्यादा लोग उठ जाते हैं सुबह सुबह, मुझे मालूम नहीं था, बहुत दिन के बाद सुबह उठ रहा हूँ। तो सब जुमा मुबारक कह दे सबको। जुमा मुबारक। सब बच्चे लोग सब है, बहुत अच्छा माहौल बन गया है। सुबह सुबह उठना चाहिए गाइस, सुबह सुबह उठो अच्छा रहता है। अब से सुबह उठना है, अब से उठना है सुबह। अब चलते हैं, अब साइकिल लेकर आते हैं, पहले देखते हैं और क्या होता है। बाइक को कैसे साइकिल की तरह ठेल के लेकर जा रहा है। अरे भाई क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करो ना यार, तुम भी कमाल हो यार। गाइस, तो सागर के पास आ चुके हैं। क्या हाल है सागर भाई? सब बढ़िया ना? आज बहुत सुबह उठ गए, कैसे? आज कहाँ सुबह उठूंगा, लगता है मैं सुबह उड़ गया हूँ। तो यही है साइकिल गाइस, देख सकती है आप लोग, यही वो साइकिल, बहुत अच्छा कंडीशन में है। मैंने कितने साल पहले दिया था सागर? जब 9 क्लास में पढ़ते थे तब। 9 साल में? 5 साल बाद। 5 साल पहले। फिर भी इतना अच्छा कंडीशन। ओ भाई, चल रहा है कि नहीं? मतलब चला सकते है कि नहीं इसको? मतलब वही थोड़ा वो गिरे सुसु बैरिंग सब बदलवाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, इतने अच्छे से रखने के लिए थैंक यू भाई। मतलब मांग नहीं रहा हूँ, मतलब साइकिलिंग करना है तो कुछ दिन के लिए ले रहा हूँ, थोड़ा इसको रिपेयरिंग कराऊंगा और साइकिलिंग करूंगा, ठीक है? अच्छा, गियर लगेगा कि नहीं इसमें? गियर लग सकता है कि नहीं? गियर तो आगे आगे भी है शायद, वो नहीं, वो डिस्क ब्रेक है, सॉरी। गियर पीछे लग सकता है कि नहीं इसमें? मतलब अराउंड 4-5 हज़ार का। हाँ, गियर का सिस्टम है, गियर निकाला हुआ है, 4-5 हज़ार का खर्च है इसमें। तो स्वरूप कैसा है साइकिल, हो जाएगा कि नहीं ये बता? वैसा ही है, ठीक है ना? चलो ठीक है, लेकर चलते हैं। इस पे बाइक पर लाद कर लेकर जाना है इसको। चलो नाश्ता कर ले, चलो नाश्ता कर लो। नाश्ता करा रहा है गाइस, क्या करे, खा ले क्या, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, तुम्हारा इच्छा। मतलब बहुत दिन के बाद सागर भाई से भेंट हुआ, थोड़ा छोटा वॉक करता हूँ, बात करता हूँ इसे, थोड़ा ऐसे ही थोड़ा गांव घूमता हूँ, बहुत अच्छा गांव है सागर भाई का। इसको पेट्रोल बचाने के चक्कर में ये पैर से ठेर के लेकर जा रहा है ऐसे। अभी आप पोखरा तक बोला कि चलो थोड़ा बात भी कर लेंगे कुछ, तुम्हारा गांव भी घूम लेते हैं। वैसे गांव बहुत अच्छा है सागर भाई, सच में। यहाँ का रोड बहुत खत्म है, गाँव तो अच्छा है। ऑफ रोड बाइक के लिए ऑफ रोडिंग सही है, ऑफ रोडिंग करने के लिए सही है, बहुत अच्छा गाँव लगा। पर गांव में रहने का मजा ही कुछ और है। हाँ वो तो है भाई, कुछ भी कहो। ये देखो, ऐसे साइकिल का लात के लेकर जाना पड़ेगा। सागर भाई लात दिया, रास्ते में इसका फट जाएगा। सागर भाई ठीक है, चलता हूँ। ठीक है, ओके बाय। चलो चलो। अगर कुरकुर इसका कुरकुर आता ही रहता है। ओके बाय। हम अपनी जगह पर आ पहुंचे।
बताइए। अब होगा गाइस, एडवेंचरिंग पर जाएंगे। ये देखें, यही है। अब इसको क्या करते हैं गाइस, अभी रख देते हैं, ठीक है। अब क्या क्या इसमें लगाना पड़ेगा, क्या क्या निकालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ये सब खराबी है, सब बिजी लग गया, जाम हो गया, ये तो निकालना पड़ेगा सब, तो देखते हैं अभी। अभी रहने देते हैं, आज जुमा है जैसे कि, तो अभी तो नहीं, जुमा बाद देखते हैं। सो जैसे गाइस आज देख सकते हो, कुर्ता और टोपी लगा के एकदम में हाजी तो बन गया, एकदम हाजी नमाजी। तो बहुत दिन के बाद कुर्ता लगाया, कैसा लग रहा है। तो हमारे भैया है, गुड्डू भैया, सलाम अलैकुम गुड्डू भैया, जुमा मुबारक। तो जुमा मुबारक, सब बढ़िया ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, छोटों की दुआ है, छोटों की। चलो ठीक है, तो आज तो साइकिल तो लेकर आ गए, तो अभी क्या करेंगे, पहले जुमा पढ़ेंगे, ठीक है। जुमा बाद यहाँ पर पूरा मेला वाला अभी लगेगा, पूरा दोस्तों के साथ बादाम उदाम खाएंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे, मस्ती करेंगे, उसके बाद देखेंगे साइकिल क्या करेंगे। बच्चे लोग भी है यहाँ पे। हाँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। तो यहाँ पे रहता हूँ, तो बच्चों लोग घेर के रखते हैं, यहाँ पे छोड़ते नहीं है पीछा, कोई बात नहीं। चलो अभी थोड़ा धूप सेकते हैं, घूमते हैं, तसरूफ भी है। ये तो भी नहीं लगाया, ये तो रहता ही है। हंस क्यों रहे, कुछ बोला मैंने क्या? नहीं बताना था, कल रात का मैसेज जो की थी वो बता दो। हाँ मैंने किया था। क्या किया था? बोल रही थी कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन चाल सुअर खानी हो गया था। थैंक यू। नहीं उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले क्या मैसेज किया थी? आई लव यू भाइयो, और क्या? और उसे चाल, तुम बहुत अच्छे हो पर चाल सुअर जैसा है, तो मैंने बोल दिया थैंक यू। हाँ। अभी घूमने आई है भात बटनी, बहुत दिन के बाद मिली है। तो कल साइकिलिंग पर जाना है क्या? तो कैसा है बोलो? ठीक है, चलूंगी मैं। कल चलना है सच में? हम्म। कहाँ पे चलोगी बोलो? जहाँ पे चला जाए, साइकिल होना पड़ा, लेकिन साइकिल ही नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है? है, लेकिन मामा के पास है ना, मामा लेके गए अभी। मामा कौन हो, रविंदर? नहीं, बड़ी मामा, बड़े मामा के पास है। कहाँ पे ले गए तुमसे? ठीक है, तो नेक्स्ट सैटरडे। हाँ, ठीक है, तुमसे मांग रहे हैं तब तक, कल तब हम दोस्तों लोग जाते हैं, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग? मेरा घर पास ही में है पागल। अच्छा, बस तुम लोग, और लोग कहाँ हैं? और लोग आ रहे हैं बस। कौन कौन आ रहा है? अभी कोई नहीं, अभी सर तब आएंगे, टाइम लगेगा, इस साथ तो अभी टाइम लगेगा आने में, क्योंकि वीडियो शूट होता है ना हम लोग कहीं पे। अच्छा हाँ, चलो एंजॉय करो। दोस्तों एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ ना, मतलब जिस स्कूल में मेरा बचपन बिता, 10 से नर्सरी से लेकर 10 तक मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, आज कितने साल उस स्कूल में जा रहे हैं? 5-6 साल बाद हम लोग स्कूल में फिर से जा रहे हैं, मतलब पढ़ने नहीं, कुछ काम से जा रहे हैं, पर 5-6 साल के बाद जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत चेंज हो गया है। मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा घुमा दूँ आप लोगों को भी, और बहुत यादें जुड़ी है इस स्कूल में हम लोगों को, स्कूल से हम लोगों को बहुत यादें जुड़ी हुई है। यही है वो स्कूल, श्री सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय। इस स्कूल में हम लोग का बचपन बीता है, सब दोस्त हम लोग यहीं से पढ़े हैं। यहाँ पर बहुत चेंज हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये सब चेंज हो चुका है, इतना बिल्डिंग सब बन गया है। जब हम लोग पढ़ रहे थे ये बिल्डिंग था और वो था, ये सब कुछ नहीं था, ये सब अभी बना है, सब ये सब अभी बना है, बहुत अच्छा बन गया है अभी। अभी और भी सब बन रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। इसी स्कूल से हम लोग पढ़े हैं, मैं और तसरूफ और अनिश जो सट्टा वाली बोलता है वो सब, इसी स्कूल से हम लोग पढ़े हैं। बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत दिन के बाद आया, बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत। फिर कभी नेक्स्ट टाइम आऊँगा, सब पूरा अच्छे से घुमाऊँगा आप लोगों को। अभी जो काम के लिए आया हूँ, बस आप लोग को थोड़ा काम करता हूँ, निकलता हूँ, बस थोड़ा सा देख लो आप लोग कैसे। इसको छत पर लेके आया हूं मैं,
इसका सब पार्ट्स यहीं पे खोलेंगे, ठीक है, यहीं पे इसका पार्ट्स खोलूंगा और देखूंगा क्या क्या खराब है, वो सब मैं और तसरूफ जो कैमरा कर रहा है वो मिलकर बनाएंगे। तसरूफ को आता है बनाने, मुझको भी थोड़ा थोड़ा आता है, तो उसको मैं हेल्प करूंगा। नहीं, मुझे मजदूरी चाहिए। मिल जाएगा, कोई बात नहीं। इसका एकदम पूरा लुक चेंज कर देना है। आज नहीं करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, क्योंकि आज देखेंगे क्या क्या खराब है, वो सामान लेंगे, ठीक है, और कल जाकर खरीदेंगे बाजार से और लाएंगे, फिर इसको चेंज करेंगे, ठीक है। और कल क्या है कि कल हम लोग साइकिलिंग पर जा रहे हैं, कहीं जाना है, वो कल का ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा। और फिर नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग अभी सोच रहे हैं ना कैंपिंग करें, कहीं पे जाके कैंपिंग करने के लिए, ठीक है, मतलब रात को एक रात रहेंगे, देखेंगे, एक्सपीरियंस करते हैं कैसा होता है। तो अभी इसको यहीं पर रख देते हैं, यहीं पर रहेगा, चलते हैं, कल मिलते हैं, बाय बाय। आ चुके हैं हमारे आसाई चाप यहाँ से। तो कैसा रहा ट्रेनिंग भाई? गाड़ फट गया है, इतना दौड़ाया है उन लोगों ने। आसाई चाप एक बात बोल दूं, अनहोनी बात बोलूं? एक बोलो। हैंडसम दिख रहे हो भाई, क्या बोलूं। सच में कैसा रहा ट्रेनिंग, कैसा रहा? गाड़ फट गया भाई यार। पास हुए कि नहीं? पास तो हो गए, एक पेपर रनिंग में पास हो गए, बैरिंग में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, अपना पास हो गया, सही बन जाए, अच्छा है हम लोग के लिए, अच्छा रहेगा, बगैर लाइसेंस के ही बाइक घुमाएंगे भाई, है ना, छोड़ा देगा नहीं भाई, चलो अच्छा है, अच्छा करो। जब भी हम लोग कुछ खाने जाते हैं ना तो दाएं बाएं देख लेते हैं कोई दूसरा दोस्त तो नहीं है ना, क्योंकि बजट हमारा लिमिटेड बजट रहता है, ठीक है। तो अभी झल्ली से चुप के घुसना पड़ेगा इसमें कि कोई मिल ना जाए, बस झल्ली से जाओ। कैबिन में बैठते हैं, ये तो सोई है, ऑर्डर कौन लेगा, सॉरी। तो अभी कैबिन में बैठे हैं, बाहर हम लोग नहीं बैठते हैं, बाहर नहीं बैठे इसलिए कि हम लोग दोस्त लोग बहुत है, मिल जाएंगे तो फिर कौन हो जाएगा। सब दो दो प्लेट ला दो। दम बिरयानी ला दो। बिरयानी आ गया है वो भाई, बहुत भूख लगा था, चलो अच्छा है, खाते हैं जल्दी से यहाँ से। गाली तो जरूर सुनना पड़ेगा, गाली सुन लेंगे कोई बात नहीं, पर खाते हैं तो करे जी पथरे यार, उसको टच मत करो, को वीडियो बनाना है मुझे, वीडियो बना रहा हूँ यार भाई, वो यहाँ पे लेके आओ यार वीडियो, वीडियो के बहाने से खा लो सब। बिरयानी खिला रहा था, कभी क्या खिला रहा है, ये देखिए इन दोनों का प्यार देखिए, हाँ ऐसे ही प्यार होना चाहिए। देख रहे हो ना, अभी इन लोगों का आइसक्रीम खिलाया था, अभी एक्सरसाइज शुरू, आज से इन लोगों का एक्सरसाइज शुरू, बहुत ज्यादा मोटापा आ गया इन लोगों का, दुकान का सब का सिर्फ चिप्स कुरकुरे ड्यू यही सब खा रहे हैं ये लोग, अब सब निकलेगा, सब बंद, आज से सब बंद, सिर्फ एक्सरसाइज, इन लोगों का साथ जीरो फिगर बना देना, एकदम हीरो बना देना है, चलो आज से मेहनत जारी, चलो दौड़ लगा के, हाँ इससे फास्ट करो, उठ उठ, चलो वंस मोर अप अप, हाँ मेहनत करना पड़ेगा तब जाके कुछ होगा, मोटापा इतना जल्दी साथ नहीं छोड़ती है। तो मोहसिन भाई कल का प्लान क्या है? इंशाल्लाह जो हम लोग प्लान किए थे सैटरडे को कहीं पे जाने के लिए वो बरकरार होगा इंशाल्लाह। अगर मोहसिन भाई अगर बहाना नहीं किए कल सुबह की सर दुख रहा है पेट दुख रहा है तो इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे। वो देखे नासिर भैया बहुत चीज की मार दी है, पर अक्सर यही होता है जब साइकिलिंग करने जाते हैं तो एकदम से इनका फीवर लग जाता है, सर दर्द करने लगता है, क्या क्या होता है, पर इंशाल्लाह कल जाएंगे, बोल रहे हैं ना कल साइकिलिंग करने जाएंगे और लोकेशन और क्या क्या होगा वो सब कल पता चलेगा कल के ब्लॉग में। तो आज के लिए बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय। हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार, आशाएं।